वह टॉपिक है कृतियां व रचनाएं जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों इस वीडियो में आपको एक इंपोर्टेंट प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय को लेकर आया है इस वीडियो में सबसे पहले इसका जीवन परिचय पढ़ेंगे उसके बाद इसका जो है साहित्य परिचय पढ़ेंगे आसान भाषा में यानी करवा के दिखाएंगे और लास्ट में कितिया व रचनाएं करेंगे आसान भाषा में ठीक है बट शुरुआत में इसका हम जीवन परिचय पढ़ेंगे प्रताप नारायण मिश्र जी का सबसे पहले आपको जीवन

या फिर ग्राम में हुआ था पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म ठीक है उसके बाद नेक्स्ट इनके पिता संकटा प्रसाद एक विख्यात ज्योतिष थे यानी इनके पिताजी जो थे मिश्र जी के पिताजी संकटा प्रसाद एक विख्यात यानी एक प्रसिद्ध ज्योतिष थे ठीक है और इसी विद्या के माध्यम से वे कानपुर में आकर बसे थे यानी इसी विद्या के माध्यम से इसी विद्या के द्वारा वे कानपुर में आकर बसे थे मिस्र जी के पिताजी ठीक है नेक्स्ट आपको इस प्रकार लिखना अंग्रेजी की शिक्षा के लिए इन्होंने स्कूल में प्रवेश लिया किंतु उनका मन अध्ययन में नहीं लगा यानी अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए इन्होंने स्कूल में विद्यालय में दाखिला लिया प्रवेश लिया ठीक है किंतु उनका मन जो है अध्ययन में पढ़ाई में नहीं लगा यद्यपि इन्होंने मन लगाकर किसी भाषा का अध्ययन नहीं किया यानी कहने का का मतलब इन्होंने मन लगाकर किसी भी भाषा अध्ययन नहीं किया था ठीक है यथापि इन्होंने हिंदी फारसी बंगला उर्दू संस्कृत आदि का अच्छा ज्ञान हो गया था इन भाषाओं का अच्छा ज्ञान हो गया था कहने का मतलब है पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी को हिंदी भाषा फारसी भाषा बंगला भाषा उर्दू भाषा संस्कृत भाषा आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया था पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी को ठीक है में मिश्र जी एवं 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 सुसंगति से से जो ज्ञान अनुभव प्राप्त किया उसे गद्य और पद निबंध आदि के माध्यम समाज को अर्पित कर दिया यानी मिश्र जी ने जो है स्वाध्याय से खुद से इन्होंने जो है अपना जो ज्ञान प्राप्त किया था सुसंगति से जो ज्ञान प्राप्त किया या फिर जो है अनुभव प्राप्त किया एक्सपीरियंस प्राप्त किया उसके अकॉर्डिंग इसे गद्य पद एवं निबंध आदि के माध्यम से समाज को इन्होंने अर्पित कर दिया ठीक है किसके माध्यम से गद्य पद निबंध के आदि के माध्यम से मात्र अड़तीस वर्ष की अल्पायु में ही सन अठारह सौ ईस्वी में कानपुर में इनका निधन हो गया यानी जब ये 38 वर्ष के थे यानी कहने का मतलब अल्पायु आयु में ही सन अठारह सौ ईस्वी में कानपुर में इनका निधन हो गया था प्रताप नारायण मिश्र जी का ठीक है इस तरह से आपको यह है जीवन परिचय यहाँ तक इस तरह से आपको लिखना है ठीक है उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ वह टॉपिक है साहित्यिक परिचय सबसे सब पहला साहित्यिक परिचय लिखना है देन आपको हेडिंग डालने और उसके बाद आप लिखना प्रताप नारायण मिश्र भारत तेंदु के चारों और, के महान और व्याख्याता थे के जो जो थे यानी जो 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 मिश्र जी हैं हरिश्चंद्र के विचार थोट उनके आदर्शों के महान प्रचारक इसके अलावा व्याख्याता थे उसके बाद आपको नेक्स्ट लिखना है आरंभ में इनकी रुचि लोक साहित्य का सृजन करने में थी यानी शुरुआत में इसकी जो रुचि जो थी लोक साहित्य का सृजन करने में थी मिश्र जी की ठीक है कुछ समय के बाद में ही ये गद्य लेखन के क्षेत्र में उतरा यानी कुछ समय के बाद कुछ टाइम के बाद ही ये गद्य लेखन के क्षेत्र में फिर स्कूप में उतर आए थे प्रताप नारायण मिश्र जी मिश्र जी भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होने के कारण उनको अपना गुरु मानते थे यानी मिश्र जी, जी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व या फिर प्रसलांटी से प्रभावित होने के कारण उनको अपना गुरु मानते थे प्रताप नारायण मिश्र जी इस तरह आपको शॉर्ट में साहित्यिक परिचय लिखना है ठीक है उसके बाद चलते है, नेक्स तरव, हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ वह टॉपिक है कृतियां व रचनाएं जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले आपको कृतियां व रचनाएं लिखनी है उसके बाद हेडिंग डालनी है देन आपको जो इसकी इंपोर्टेंट रचनाएं लिखनी है जैसे कि पहला नंबर पे प्रताप पीयूष ठीक है उसके बाद सेकंड नंबर पे है कली प्रभाव नेक्स्ट है मन की लहर उसके बाद नेक्स्ट है पंचामृत उसके बाद नेक्स्ट है वचनावली दोबारा इनको पढ़ देता हूँ जैसे कि फर्स्ट नंबर पे प्रताप पीयूष सेकंड नंबर पे है कली प्रभाव नेक्स्ट है मन की लहर उसके बाद नेक्स्ट है पंचामृत उसके बाद नेक्स्ट है वचनावली ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएँ हैं प्रताप नारायण मिश्र जी की ठीक है इस तरह से आपको यहाँ पर कीर्तियाँ व रचना लिखनी है। अब यहां पर मैंने इसकी साहित्यिक परिचय जीवन परिचय बिल्कुल में तैयार कर दिया है इसी तरह से आपको ऑलरेडी बना रखी है वीडियो के नीचे में लिंक मिल जाएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय आपका दिन शुभ हो जय हिंद